नमस्कार, मैं आपके साथ सबर खान। आप देख रहे हैं अराइव 24 न्यूज। अराइव 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी संस्था एनजीओ की प्रेसिडेंट से जो एक ऐसा काम कर रही है जो काबिले तारीफ है। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर नमिता राजपूत से। मेरा नाम डॉक्टर नमिता राजपूत है। मैं अनहद फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ और फाउंडर हूँ। ये संस्था मैंने करीब 2.5 साल पहले स्टार्ट करी थी, जिसकी पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमने पूरी करी और उसके बाद हमने इसको लॉन्च किया। हमारी फाउंडेशन के 4 विंग्स हैं। सबसे पहला विंग है प्रकृति विंग, प्रकृति जैसे कि नेचर। इसमें हम बहुत सारी ऐसी ड्राइव्स करते हैं कि हम नेचर को कंजर्व कर सकें, नेचर को बचा सकें, जिसके अंदर हम मैसिव ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं। हम रिवर्स, डाइंग रिवर्स के ऊपर कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम लोगों को एनवायरनमेंट पोल्यूट करने से मना करते हैं। कुछ प्लास्टिक ड्राइव्स करी हैं हमने, कुछ डांस वर्कशॉप्स करी हैं जिसका थीम ये होता है कि हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, क्योंकि हमारा कोई अलग यूनिवर्स नहीं है, हम सारे लोग एक ही यूनिवर्स को शेयर करते हैं। तो उसके चलते हमें ऐसा काम करना है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए यूनिवर्स को कंजर्व करें, यूनिवर्स को सेव करें। दूसरा विंग है हमारा प्रेरणा विंग, प्रेरणा जैसे कि नारी शक्ति। इसके अंदर हम लोगों की, लड़कियों की खास करके, सारी तरह की 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे हम उनके लिए प्रेरणा वर्कशॉप्स करते हैं, सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स करते हैं, स्लम की लड़कियों को खास करके पूरी प्रेरणा देते हैं कि अगर उनमें से कोई नहीं पढ़ पा रही है तो हम उनके लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं। मेरे 2 स्लम सेंटर हैं, एक कीर्ति नगर में है और एक खिड़की एक्सटेंशन में है, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पूरे बच्चों के ऊपर करते हैं, स्पेशली फीमेल गर्ल्स। तीसरा विंग है हमारा प्रफुल विंग, प्रफुल मतलब खुशी। तो ये खुशी हमें बच्चों से आती है, तो बच्चों को लेकर हम बहुत ही सेंसिटिव हैं। हर तरीके के बच्चों का हम ध्यान रखते हैं और मेरा सारा केंद्र होता है स्लम के बच्चों का ध्यान रखना। स्लम के बच्चों की अगर आप ज़रूरतें देखें तो आपकी आँख से पानी आना शुरू हो जाता है। ना उनके पास खाने के लिए है, ना उनके पास पहनने के लिए है। किसी भी तरीके की मदद के लिए हमारी अनहद फाउंडेशन हमेशा तत्पर रहती है, उनका ध्यान रखती है। चौथा विंग है हमारा ख्वाहिश, ख्वाहिश इज़ अ वॉक टुगेदर। इसके अंदर हम दूसरी फाउंडेशंस के साथ हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर चलते हैं, क्योंकि किसी संस्था में कोई काम हो रहा है, किसी संस्था में कोई काम हो रहा है, तो इस ख्वाहिश के चलते हम कोलैबोरेशंस करते हैं, हम लोग इकट्ठे काम करते हैं। हमारा मेन एम जो है वो सोसाइटी के लिए सर्व करना है। सर्व ऑल एंड लव ऑल इज अवर पर्पस। तो मेन जो आपका एनजीओ का पर्पस है वो मल्टी है या फिर मतलब किसी एक कॉन्सेप्ट पे आप काम कर रहे हैं एनजीओ में? देखिए, हमारा नाम है अनहद फाउंडेशन। अनहद का मतलब होता है लिमिटलेस और हमारी टैग लाइन है इट इज़ अ सोसाइटी फॉर रीचिंग द अनरीच्ड। जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। और मेरा मेन केंद्र जो है वो स्लम एरिया के, स्लम के बच्चों का, स्लम की औरतों का ध्यान रखें। और एक हमारा नई संस्था ने हमारी एक नया कार्यभार संभाला है, जिसमें हम प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना के एक ऑफिशियल पार्टनर हैं। हम स्लम की लड़कियों को, लड़कों को ड्राइव करते हैं कि वो जाके स्किल सीखें और उसके बाद उनकी नौकरी लग जाए। कम से कम 80 गर्ल्स हम लोग कीर्तिनगर से ट्रेन करवा चुके हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, जिसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग का प्रावधान बताया, क्योंकि लोगों को ये समझ में ही नहीं आती है कि प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना में कोई भी पैसा नहीं लगता बल्कि पैसा मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है 3 महीने की। ये चीज़ें हम लोग स्लम्स के अंदर अंदर जाकर अपने वीडियोस के थ्रू, पर्सनल इंट्रैक्शन के थ्रू उनको समझाते हैं, ताकि वो नौकरी कर सके और क्राइम से हट सके। तो जितना क्राइम वो करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता, तो हम इस चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं कि वो स्किल डेवलपमेंट में। मैम, कितने टाइम से कार्य कर रही है ये एनजीओ आपकी? हमारी ये कार्य जो एनजीओ कर रही है 2.5 साल से कर रही है, बट इससे पहले हम लोग दूसरी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे, जैसे रोटरी फाउंडेशन इंडिया, उसके बाद एक हमारा एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, साम एजुकेशनल ट्रस्ट, और हम तरह तरह के लोगों के साथ बिना किसी एफिलिएशन के जुड़ते रहे हैं, सोशल वर्क करते रहे हैं। तो मैम, अभी जो आप प्रिंसिपल भी हैं एक और एनजीओ भी चला रही हैं, तो इतने सारे मतलब बर्डन को कैसे आप कवर करते हैं ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारा एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है। मेरे पास बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आईपी यूनिवर्सिटी के, तरह तरह की यूनिवर्सिटी के साथ लोग जुड़ते हैं, फेसबुक से लेकर, हमारी वेबसाइट से लेकर। तो मैं जो पर्सनली इसको सब तरह से मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरा इवनिंग कॉलेज है, फर्स्ट हाफ में मैं सारा कोऑर्डिनेशन करती हूँ और संडे को मैं खुद स्लम सेंटर में जाकर प्रोग्राम्स करती हूँ।
के। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन कराया है जो कि डॉक्टर नमिता राजपूत है और ये काफ़ी 2.5 साल से एनजीओ चला रही हैं और एक प्रिंसिपल भी हैं एक कॉलेज की। तो अभी इसी के साथ अब अलविदा लेती हूँ। समर खान कैमरामैन श्रवण के साथ, लाइव 24 न्यूज़ दिल्ली।